हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल इस एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर टूटोरियल में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नाम है चैप्टर नंबर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर टू आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको याद होगा कि जस्ट हमने प्रीवियस डे पे ये लेक्चर को स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर वन हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि करंट क्या होता है बेसिकली चार्ज क्या होता है ये सभी चीज हमने डिस्कस की थी पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह तो आज हमारा लेक्चर नंबर टू है और आज भी हमें ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ना है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज का क्योंकि आज के दो से तीन टॉपिक ऐसे हैं जो लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट यानी कि आप अभी तो पढ़ोगे अभी के सिलेबस के लिए नाइन्थ के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन ये चीज आपको इतना बेस और कंसेप्टो नॉलेज देने वाला है कि आप लोग जब टेंथ इलेवेंथ में जब जाओगे ट्वेल्थ में जब जाओगे तो ये चीज आपका बेस डिसाइड करेगा और ये आपने अगर आज अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपको वो टाइम पे वो सब टॉपिक जो है बहुत इजी लगेंगे ठीक है तो ध्यान से देखना दोस्तों टॉपिक का नाम है सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो है इलेक्ट्रिक करंट तो करंट बेसिकली क्या होता है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था ठीक है तो एक छोटा सा डेफिनेशन भी है इसका वो भी लिख लेंगे एक फॉर्मुला है वो देखेंगे फॉर्मुले के बेस पे एक छोटा सा नुमैरिकल है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत ही मजेदार है ध्यान से देखना ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट ठीक है हेडिंग डाल दिया मैंने इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बोला था आपको स्टार्ट में ही बताया था कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो जब होते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको आम भाषा में बोला जाता है ठीक है तो एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर कोई भी कंडक्टर के ऊपर होना अंदर होना ये इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप बोलोगे कि सर कहीं पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा देंगे तो वो क्या करंट uh, कहलाएगा क्या नहीं ये प्लास्टिक का मार्कर है इसमें करंट पास नहीं होगा एक uh, लकड़ी का एक डंडा ले लो उसमें पास नहीं होगा ठीक है ना कोई भी चीज प्लास्टिक की बनी हो इलास्टिक की, की बनी हो या फिर कोई भी चीज थ्रेड का बना हुआ ठीक है तो ये सब चीज में करंट पास ही नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते तो डिफरेंस यही क्रिएट होता।, होता है और जो कंडक्टर होता है कंडक्टर्स मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से करंट पास हो सकता है जैसे कि आयरन हो गया कॉपर हो गया एल्यूमिनियम हो गया ठीक है ना तो ये सब चीज में से क्या होता है करंट इजिली पास हो जाता है तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट और एक और फॉर्मूला के हिसाब से हमारा डेफिनेशन बनता है क्या डेफिनेशन बनता है कि हमारा जो करंट होता है इट इज नथिंग बट द चार्ज सप्लाइड या फिर चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्या मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से कि यहाँ पे करंट जो होता है ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इज करंट और इसको याद रखना करंट को सिम्बॉल होता है आय कंफ्यूज मत होना तो करंट के लिए आप सी लिख के आओगे तो सी नहीं होता है सी फॉर चार्ज ठीक है ना बट सी चार्ज को भी नहीं लिखते हैं क्यों लिखते हैं चार्ज के लिए देखो कंफ्यूज मत होना पे मैं हर एक चीज का सिंबल आपको बताऊंगा कि कौन सा चीज को किससे लिखते हैं नहीं तो आप एग्जाम में उल्टा फुलटा तो के आओगे मार्क्स कट जाएंगे ठीक है तो करंट को आय के सिंबल से जाना जाता है आय जब भी दिखेगा आपको ऐसा आए दिख गया करंट दिख गया समझ जाना कि क्या है वो करंट है याद रखना ठीक है आय मतलब करंट होता है तो करंट आय इज डिफाइंड एज क्या डिफाइन करेंगे दैट इज चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज डेफिनेशन है कोई पूछता है आपको डेफिनेशन एग्जाम में तो आप लिख सकते हो तो करंट आई इज डिफाइंड एज द चार्ज द चार्ज सप्लाइड सप्लाइड थ्रू अ कंडक्टर यह याद रखना यह वर्ड इंपॉर्टेंट है थ्रू अ कंडक्टर क्योंकि कंडक्टर रहेगा तभी तो चार्ज सप्लाई होगा ना थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम के हिसाब से सप्लाई होना चाहिए तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे करंट के लिए आई होता है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज सप्लाई मानव कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है तो चार्ज के लिए हम लोग लिखेंगे किस तरह लिखेंगे चार्ज के लिए आपको याद होगा कि चार्ज के लिए मैंने बताया था क्यू कैपिटल लेटर क्यू सिंबल जो होता है वो चार्ज के लिए लिखते हैं और टाइम के लिए तो आप सभी को पता है टी लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ये क्या हो जाएगा मेरे लिए फॉर्मुला हो जाएगा कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करंट इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द करंट एन वन आस्क यू की बेटा कैलकुलेट करके दिखाओ करंट कितना आएगा तो आपके पास अगर चार्ज का वैल्यू पता है टाइम आपको पता हुआ है दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो आपको करंट मिल जाएगा या फिर आपको चार्ज नहीं पता है करंट पता है टाइम पता है तो चार्ज भी निकाल सकते हो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके करेक्ट है तो तीनों में से जो भी चीज नहीं पता होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अब बात करते हैं इसके यूनिट की तो हमेशा याद रखना जो करंट होता है करंट का एस आई यूनिट जो होता है ठीक है ना एस आई यूनिट फॉर करंट हमेशा याद रखना वो होता है एम्पियर क्या होता है एम्पियर और एम्पियर को लिखते हैं हम लोग ए से कैपिटल लेटर ए से तो याद रखना करंट का सिंबल आई होता है लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो ए होता है ए फॉर एमपियर ये चीज याद रखना है वैसे ही क्यू जो है वो चार्ज होता है चार्ज का एस आई यूनिट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों आपको बताया था मैंने कुलम ठीक है ना कुलम को किससे लिखते हैं हम लोग सी से लिखते हैं याद रखना ठीक है कुलम यानी सी चार्ज के लिए टाइम टी होता है तो टाइम का ऐसा si यूनिट सभी को पता है दोस्तों इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है जो कि होता है सेकेंड एस ठीक है ना सेकंड यानी एस से लिखते हैं हम लोग ठीक है तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है करंट क्या होता है एम्पियर क्या होता है आपका चार्ज क्या होता है टाइम अब यही डेफिनेशन यही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इसी के बेस पे एक छोटा सा नुमेरिकल है चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही मजेदार है ध्यान से देखते हैं मजा आ जाएगा करने में ठीक है क्योंकि इसके ऊपर नुमेरिकल जो होते हैं वो बेसिकली एग्जाम में पूछते भी है ठीक है तो चलो मैं रफ कर लेता हूँ इसको और आपको सॉल्व करवाता हूँ इसके ऊपर का नुमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ठीक है और न्यूमेरिकल सभी को पता है दोस्तों सबको अच्छा लगता होगा न्यूमेरिकल क्योंकि साइंस में मैथ्स आ जाता है फिर ठीक है ना तो न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आता है और मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट था क्योंकि इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने बस राइट आंसर right निकाल दिया तो तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है आपको क्वेश्चन अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपको पूछा है कि एक करंट है करंट का वैल्यू दिया है हमें कितने का 0.4 पॉइंट यानी कि करंट का वैल्यू है आई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट का एक करंट है जो कि एक कंडक्टर में से पास हो रहा है कितने देर के लिए पास हो रहा है यहां पे उन्होंने बोला कि पाँच मिनट तक पास हो रहा है यानी कि आपको टाइम का वैल्यू दिया हुआ है टी का वैल्यू टाइम मतलब टी होता है ना शॉर्टकट यूज करना होता है हमें न्यूमेरिकल में तो टी का वैल्यू दिया हुआ है फाइव मिनट्स ठीक है तो मुझे एक बात बताओ पांच मिनट दिया है तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड में होना चाहिए तो यहां पे मिनट दिया हुआ है तो हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं यस कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं एक मिनट का मतलब कितना होता है साठ सेकेंड होता है यानी कि अगर पांच मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा यानी कि 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई यानी कि क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई सिक्सटी टू कितना थ्री हंड्रेड तो तीन सौ सेकेंड हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है तो ये आ गया आपका टाइम का वैल्यू ठीक है अब यहां पे क्या बोला है हाउ मच चार्ज वुड है पास थ्रू द कंडक्टर आपको क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज का वैल्यू निकाल के दिखाओ तो चार्ज को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं क्यू लेटर से लेटर क्यू से डिनोट करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हम लोग को ये चीज निकालना है अभी अभी निकालने के लिए चलो ये चीज़ दिया है हम लोग को करंट दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है चार्ज निकालने बोला है लेकिन इतना ध्यान में रखो कि कैसे निकालोगे अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला दोस्तों वी नो दैट आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ये पढ़ा हमने ठीक है आई का वैल्यू दिया हुआ है क्या यस दिया हुआ है जीरो पॉइंट फोर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आई की जगह पर लिख देंगे हम लोग जीरो पॉइंट फोर इज इक्वल टू चार्ज का वैल्यू निकालना है तो क्यू का क्यू वैसे ही रहेगा अपॉन टाइम टाइम का वैल्यू दिया है क्या देखो 300 दिया हुआ है तो 300 लिख दो Q का वैल्यू निकालना है तो 300 इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा देयर फोर क्यू विल बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट फोर तो क्या हो जाएगा आंसर थ्री फोर जो ट्वेल्व होता है यानी कि वन टूवल्व हो गया और एक जीरो एक जीरो कैंसिल यानी कि वन ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है सिंपल है आप नॉर्मल तरीके से मैंने अपना मेथड से मल्टीप्लाई किया है ठीक है वो सब बाद में बताऊंगा लेकिन फिलहाल मैं आपको तीन सौ और जीरो पॉइंट फोर को मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू वन ट्वेंटी कुलम्ब सी फॉर कुलम उसका यूनिट होता है चार्ज का यूनिट क्या होता है कुलम सी तो वन ट्वेंटी कुलम इज द आंसर ठीक है कितना सिंपल है आपने देखा तो विद इन वन मिनट ज्यादा से ज्यादा एक मिनट लगेगा आपका आंसर निकल जाएगा और आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो डेफिनेटली आपको दो मार्क्स मिल जाएगा और इसमें मार्क्स कटने के चांसेस भी नहीं होते क्योंकि अगर आपने आंसर राइट निकाल दिया स्टेप्स आपने बराबर किया है तो यू विल गेट फुल मार्क्स क्लियर है तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट चार्ज क्या होता है और उसके ऊपर का जो न्यूमेरिकल था वो हमने सॉल्व कर लिया और दो टॉपिक जो कि बेहतरीन टॉपिक है वो मुझे आज पढ़ाना है आपको एक है दोस्तों ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ और एक होता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बहुत ही मजेदार बहुत ही कंसेप्चुअल है ध्यान से देखना एंड

ठीक है ओम्स लॉ ठीक है अब ओम्स कौन था एक साइमन ओम्स नाम का एक बंदा था बंदा मतलब साइंटिस्ट इस मान लो साइमन ओम ठीक है इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो इन्वेंशन किया या फिर थियोरी बनाई अपनी और ओम्स लॉ के डेफिनेशन उन्होंने बताया क्या बोला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ओम्स लॉ स्टेट दैट ये जो लॉ है वो क्या बोलता है इट स्टेट्स दैट ओम्स लॉ स्टेट्स दैट क्या बोला उन्होंने कि करंट जो होता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा हूं मैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज टू द अप्लाइड वोल्टेज अब ये मैंने जो डेफिनेशन लिखा वो शॉर्टकट वाला लिखा है रियल में आपको मैं रीड करके दिखा दूंगा तो उन्होंने क्या बोला है एक तरीके से कि ओम्स लॉ सेट दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड यानी कि कोई भी एक कंडक्टर होगा लेट सपोज ठीक है ना समझ लो एक कंडक्टर है ठीक है ये किससे कनेक्ट होगा सर्किट से कनेक्टेड होगा सर्किट मतलब उसके पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है तो ऐसा होता है कभी भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है तो जब भी करंट इसमें से जाएगा जैसे मैंने कल आपको सिखाया नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर तक चार्ज आता है तो चार्ज जो है फ्लो होने लगेगा लेकिन वो चार्ज को रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है रजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा अभी ठीक है लेकिन इन्होंने क्या बोला ओम्स लॉ पहले समझ लो फिर रजिस्टेंस बताऊंगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि एक सर्किट में दो एंड के बीच में समझ लो ये ए पॉइंट है मेरा ये मेरा बी पॉइंट है ये दोनों एंड के बीच में जितना भी करंट सप्लाई होगा उतना ही क्या हो जाएगा वोल्टेज सप्लाई हो जाएगा यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप समझते ही होंगे ठीक है तो करंट जो जितना बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा करंट जितना डिग्रेड होगा उतना ही वोल्टेज भी डिग्रेड होगा तो ये इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है यही होता है क्लियर है यह आपको समझ में आ गया अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश की है लेकिन अब ये प्रॉपर डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स के अनुसार ओम्स जो जो उन्होंने नियम बनाया लॉ बनाया उसके हिसाब से क्या बोला उन्होंने कि करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज तो करंट क्या होता है मेरा आई होता है करेक्ट है डायरेक्टली प्रपोर्शनल का सिंबॉल ये होता है और वोल्टेज क्या होता है वी होता है और वोल्टेज भी डायरेक्ट मत बोलो आप वोल्टेज के जगह आप प्या? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वोल्टेज नॉर्मल याद करने के लिए ठीक है लेकिन लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है वोल्टेज ही होता है करंट है सॉरी करेक्ट है करंट है बोल रहा हूं ठीक है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी यानी वोल्टेज ठीक है वोल्ट ओके अब ध्यान से देखना आई और प्रपोर्शनल डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू वी है एक चीज हमने बहुत पहले सीखा हुआ है कि कभी भी अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाना होता है तो हम एक कॉन्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आय इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई वी और आपको पता है डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है साइंस में मैथ्स में भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे लेकिन डॉट जहां पे भी दिख गया कोई भी दो लेटर्स के बीच में यहां पर मैं बोलूंगा कि वेर वेयर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है ना कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोला मैंने कि जो मेरा के है यानी कि जो मेरा क्या है जो मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया ना क्यों कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ा सवाल ये भी उठता है कोई आपको पूछेगा तो हमेशा बोलना कि कभी भी अगर ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है और मुझे इसको हटा के इक्वल लिखना है ना तो इसको हटाने के लिए मुझे कोई भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कोई भी अल्फाबेट से तो ये जो अल्फाबेट मैंने के लिया है उसका नाम मैं रखूंगा कॉन्स्ट ऑफ प्रपोर्शनलिटी यानी कि के मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा अब मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे ध्यान से अब ये जो के है ये वी के साथ मल्टीप्लाई में लेकिन मुझे वी के साथ के नहीं चाहिए मुझे आई के साथ के चाहिए तो क्या हो जाएगा आई इधर ही था के इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ जाएगा वो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा यानी आई अपॉन के हो जाएगा और इधर अकेला बच जाएगा वी अकेला क्या बच गया वी बच गया ध्यान से देखना ठीक है अकेला क्या बच गया वी बच गया अब मैं क्या बोलूंगा कि ये आई जो है इसको मैं वैसे ही रखता हूं और ये के जो है वो नीचे है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं आई इंटू वन अपॉन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन भी लिख सकता हूं और इज लिख सकता हूं मैं ऐसा करेक्ट है तो ये जो वन अपॉन है इसके जगह पे मैं एक वैल्यू और लिख सकता हूं क्या कि आई पहले से ही है मल्टीप्लाई बाय ये जो वन अपॉन के है अपॉन के जगह पे मैं लिख रहा हूं आर इज इक्वल टू वी ऐसा क्यों लिखा सिंस. ये सिंस का है का उल्टा आपने देखा होगा ऐसा होता है ना ट्राइंगल देयर फोर मतलब आपको इसीलिए देयर फोर को हिंदी में बोलते हैं इसीलिए और सिंस का मतलब क्यू आया ये आई इज इक्वल टू तो, आई मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू तो वी क्यू आया क्योंकि वन अपॉन के का जो वैल्यू होता है वो होता है आर और आर का मतलब ही है यहां पर रेजिस्टेंस अब वो रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि टॉपिक वही है इसके बाद वाला ठीक है बट इतना याद रखो ये फॉर्मूला बना रहा हूं मैं ओम्स लॉ जो है इसका मैं फॉर्मूला बना रहा हूं तो आई मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू वी क्या बन गया मेरा फॉर्मूला बन गया इसको सीधा कर लो देयर फोर वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर ये हो गया मेरा फॉर्मूला ओम्स लॉ का और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे के पूरे नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर ठीक है ना बहुत सारे फार्मूला आपने देखे होंगे स्पीड का वेलोसिटी का लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्टेस्ट और कुछ होता है क्या मोस्ट के अलावा मोस्टेस्ट ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट बिकॉज ये आपने अगर पढ़ लिया कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ये फॉर्मुला अभी तो आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर होंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा मैं तो ये फॉर्मुला अभी तो काम आएगा लेकिन जब भी भी आप करंट के रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो फ्यूचर में यानी कि आप फिजिक्स जब पढ़ोगे फ्यूचर में जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे अभी तो आप छोटे हो नाइन्थ में हो बेसिक ही पढ़ रहे हो अभी कि क्या होता है समझ रहे हो खाली लेकिन जैसे जैसे इसके पीछे जाओगे कंसेप्टो नॉलेज के अंदर घुसोगे और ज्यादा डीप में जाओगे ना तो ये जो है आपको अगर आज समझा रहेगा ना तो डेफिनेटली वो टाइम पे आपको इजी लगेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो वैसा वाला था आप समझ में आया मेरे को ठीक है तो ये आपको समझ में आएगा और जिन्होंने ये स्किप कर दोगे जिनको ये समझ में नहीं आया आज तक कि ये है, है क्या तो वो टाइम पे तो उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखना डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है ठीक है तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर ये आपको याद रखना है करेक्ट है अब एक और चीज है कि यूनिट जो होता है हमेशा याद रखना कि वी इज इक्वल टू आई आर तो यहाँ पे वोल्टेज जो होता है ये वोल्ट होता है वोल्टेज इसका अगर ऐसा यूनिट अगर आपको कोई पूछता है तो हमेशा याद रखना स्मॉल लेटर भी ये शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है वी होता है ठीक है आय का मतलब होता है करंट ठीक है आय का मतलब होता है करंट ठीक है और इसका यूनिट जो होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है यूनिट एम्पियर ठीक है तो ये आप लिख सकते हो अब तीसरा चीज जो है जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया नया चीज आर ये आर क्या है रेजिस्टेंस तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है और इसी के ऊपर एक और थियोरी है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा ठीक है तो रफ कर देते हैं हम लोग इसको फटाफट से उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा जहां पे मैं रुकता हूं दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ओके ओके <coughs> <coughs> सॉरी थोड़ा सा मेरा गला का प्रॉब्लम है दोस्तों ठीक है हो जाता है जब हम लोग कंटिन्यूस लेक्चर लेते हैं तो टीचर्स को अक्सर आपने देखा होगा कि उनका गला हमेशा खराब होता है ठीक है तो मैं कोशिश कर रहा हूं ओवरकम करने की तो प्लीज आप कॉपरेट करो थोड़ा सा हो जाएगा ठीक है चलो शुरुआत करते हैं जैसे मैंने बोला आखिरी टॉपिक लेने जा रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस की फिर बताऊंगा रेजिस्टिविटी होता क्या और उसके ऊपर छोटा सा फॉर्मूला है वो भी आपको मैं बताऊंगा तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं अभी अभी हमने क्या बताया एक फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला भी साइड में लिखता हूं क्या बताया वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर यह क्या कौन सा फॉर्मूला है होम्स लॉ का फॉर्मूला है ठीक है लेकिन आपको इसको बताने के पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जैसे कि ये मेरा क्या है एक है है कंडक्टर कंडक्टर ठीक ना एक वायर है समझ लो कंडक्टर क्या होगा वायर का बना होगा समझ लो कोई भी मेटल का ले लो और इससे मैंने कनेक्ट किया है क्या कनेक्ट किया है एक सर्किट को यानी कि मेरा एक बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से ठीक है चलो इस तरह से कनेक्ट किया है यहां पे प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज है यहां से करंट ट्रैवल करना शुरू करेगा इस तरह से जाएगा इस तरह से जाएगा पॉजिटिव वापस आ जाएगा ये घूम रहा है करंट ठीक है समझ में आया लेकिन आप अगर सोचो कि कोई भी एक वायर है जैसे ये वायर है इसमें मुझे क्या करना है करंट का जो सप्लाई है ये करंट जो जा रहा था यहां से ये जो करंट यहां से सप्लाई हो रहा है करंट जो तो जा रहा था वो सप्लाई को अगर रिड्यूस करना है या फिर कम करना है अब जैसे कि आपको पता है कि हर एक डिवाइस जो होते हैं अलग अलग जो अप्लायसेस होते हैं कंप्यूटर हो गया मोबाइल हो गया टीवी हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया ये सब में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज या फिर सेम अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है क्या मुझे एक बात बताओ नहीं अलग अलग होती है तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो तो कांस्टेंट आता है ना हम तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ये फैन में 30 वोल्ट जाना चाहिए ये इसमें 12 वोल्ट जाना चाहिए इसमें दो एमपेयर करंट जाना चाहिए इसमें 0.4 पॉइंट फोर करंट जाना चाहिए हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या करेंगे जो भी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो भी डिवाइस है उसमें एक ऐसा चीज लगाएंगे जो कि करंट को स्लो डाउन कर सके यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बात करूं रेजिस्टेंस का मैं मतलब बताऊं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन की बात करूं देखो नाम में ही है रेजिस्ट 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 करना रेजिश्ट, इतना रेजिश्ट करना इतना वर्ड देखो का मतलब होता है रोकना रेजिस्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज को रोकना मैं बोलूंगा ना ही इज रेजिस्टिंग मी मतलब ये मुझे रोक रहा है करेक्ट है तो रेजिस्ट करना यानी रोकना तो रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होता है उसको स्टॉप कर देना या फिर उसको स्लो डाउन करना ठीक है तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज यूज टू स्टॉप और स्लो डाउन द इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ठीक है तो ये चीज आपको याद रखना है क्लियर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्या होता है दोस्तों ये आपको ना बहुत कम लोग जो होंगे वो बताएंगे कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है इट इज नथिंग बट टू स्टॉप टू स्टॉप और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ करंट करंट का जो फ्लो होता है ठीक है

वो जो चीज़ रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है वो चीज़ को बोलते हैं रजिस्टर आपने शायद कभी भी आपने अगर टीवी खोला हो रेफ्रिजरेटर के अंदर या फिर कंप्यूटर चिप्स वगैरह देखे होंगे उसमें एक ऐसा डिवाइस होता है एक छोटा सा एक डिवाइस होता है इस तरह का ठीक है और उसमें कलर होते हैं बहुत सारे लाल रहेगा इधर ब्लू रहेगा इधर रेड रहेगा येलो रहेगा ऐसा दिखा होगा छोटा सा रहता है एकदम माइंड इतर सा होता है ठीक है ना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो इस तरीके का डिवाइस होता है उसी चीज़ को रजिस्टर बोलते हैं और उसी का काम होता है कि करंट को वो स्लो स्लो करे या फिर स्टॉप करे और उसका सिम्बॉल जो होता है वो डायग्राम में हम लोग कैसे बनाएंगे सिम्बॉल्स को कि समझ लो ये वायर है मेरा ये वायर स्ट्रेट है तो करंट यहाँ से आएगा उतना ही उतना पास हो जाएगा करेक्ट है लेकिन अगर मुझे स्लो करना होगा करंट को तो मैं क्या करूँगा ये वायर को अगर मैं ऐसा कर दूँ दोस्तों ध्यान से देखो वायर को अगर मैं ऐसा कर दूं अब देखो पहले वायर सीधा था पहले वायर सीधा था तो करंट जो भी आ रहा था वो सीधा सीधा यहां से पास होकर चला गया था ठीक है वायर सीधा था तो करंट सीधा निकल गया फास्ट में लेकिन जब ये वायर को अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ इस तरह से कर दूँ अब देखो ये करंट आएगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहां 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 यानी कि कितना टाइम उसको ट्रैवल करना पड़ा कितना टाइम उसका यहाँ पे वेस्ट हो गया तो ये जो चीज़ है ना यही चीज़ क्या है आपका आर है यानी कि रेजिस्टेंस है रजिस्टर है जो आपके करंट को क्या कर रहा है स्लो कर रहा है यानी कि अगर वो ऐसा जिक्सैक्ट नहीं होता तो करंट जो है वो सीधा निकल जाता करेक्ट है समझ में आ रहा है कंसेप्ट नॉलेज दे रहा कोई देगा नहीं दोस्तों ध्यान से देखना जो करंट होता वो सीधा निकल जाता लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपने होने नहीं दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि करंट को स्लो करना चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा वहां पे रजिस्टर नाम का एक डिवाइस आता है जो कि इस तरह का होता है वो मैं लगा दूंगा और एक्चुअल में उसका डायग्राम बनता है इस प्रकार से कि वो करंट को यहां पर स्लो डाउन करे और फिर आगे पास करे तो ये जो चीज होता है इसको बोलते हैं हम लोग आर याद रखना ठीक है तो कोई पूछता है व्हाट डू मीन बाई रेजिस्टेंस इट इज डिवाइस विच यूज टू स्टॉप और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ करंट करेक्ट है याद रहेगा आपको कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है अब उसी के तौर पे रेजिस्टेंस आपने हाँ समझ लिया आर का मीनिंग हमने समझ लिया ठीक है कोई भी सर्किट में यूज होता है अब रेजिस्टिविटी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन है इसका भी जैसे ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट था कि ओम्स ने बताया कि ये करंट जो होता है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है फिर उसका हमने फॉर्मूला बनाया सेम उसी प्रकार रेजिस्टिविटी का भी उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था और उसका फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला हम लोग देखने के बाद आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी ये दोनों के बेस पर नुमेरिकल जो होंगे उसको सॉल्व करवाऊंगा और उसके आगे के जो टॉपिक्स है बहुत ही मजेदार उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा ठीक है तो ध्यान से देखना दोस्तों ये वाला लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आज के लिए जिसका नाम है रेजिस्टिविटी ठीक है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर बोल लो ये भी टॉपिक है ठीक है टॉपिक वही चल रहा है अभी भी ठीक है कोई बात नहीं है टॉपिक अभी तक वही चल रहा है तो रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो क्या बोलता है रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन है वो पहले मैं आपको बताऊंगा क्या बोला उन्होंने कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर उन्होंने बोला कि ये रेजिस्टिविटी जो होता है वो ठीक है लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है स्टेटमेंट सुनो ध्यान से स्टेटमेंट ये बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर ध्यान से देखना दोस्तों रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्या बोला उन्होंने कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर कंडक्टर का जो भी लेंथ रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली वो क्या करता है प्रपोर्शनल होता है एंड इट्स एंड इज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू क्या बोला इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है क्या बोला उन्होंने इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर देखो ध्यान से ये तो मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्या बोला मैंने डेफिनेशन सुन लो कि कभी भी आपको कोई रेजिस्टिविटी पूछता है तो रेजिस्टेंस का एक थियरी होता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या था वो हर एक चीज मैंने डायग्राम बजा के भी आपको बता दिया ठीक है अब उसका एक स्टेटमेंट ये बोलता है वो कि रेजिस्टेंस जो होता है जो भी कंडक्टर होगा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंडक्टर है उसका जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके लेंथ के बराबर तो समझ लो लेंथ मैंने मान लिया एल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके लेंथ के बराबर यानी कि जितना उसका रेजिस्टेंस रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जितना उसका लेंथ रहेगा जितना लंबा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से तो है कंडक्टर के लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है इसका थिकनेस कितना थिकनेस है इसका ये ऐसा होगा ना जैसे ये मार्कर है मेरा तो ये दिखने में तो ऐसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे वो जो होगा वो सर्कुलर हो सकता है या फिर वो अगर वो बॉक्स शेप में भी होगा फॉर एग्जाम्पल ऐसा है तो उसका एरिया जो होगा मतलब पीछे से थिकनेस जो होगा वो बॉक्स शेप भी हो सकता है तो जो भी उसका फिगर होगा जो भी उसका कैटेगरी होगा बेसिकली क्या होता है वायर ही होता है ना ये सब चीज तो वायर का क्या होता है सर्कुलर ही होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना रहेगा उतना उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज तो हमें समझा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है लेंथ से यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस जो होगा वो भी बढ़ेगा लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो एरिया होगा वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी उल्टा प्रोपोर्शनल है यानी कि अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ठीक है अब इसको प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये मैं बताऊंगा ठीक है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डेफिनेशन बोला उन्होंने कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर से डायरेक्टली प्रपोर्शनल है लेंथ से और इनवर्सली प्रपोर्शनल है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी उसका एरिया रहेगा उससे प्रपोर्शनल है यानी कि मेरा रेजिस्टेंस के लिए मैं लिखता हूं आर तो आर जो है क्या बोला उन्होंने रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का सिंबल ये है तो आर directly proportional to तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे लेंथ लेंथ से क्या है एल है कंडक्टर का जो लेंथ है वो क्या है एल है तो एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अपॉन आ जाएगा इनवर्सली मतलब होता है अपॉन में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है ठीक है अब देखो यहां पर एक चीज और मैं बोल सकता हूं पहला चीज बोला उन्होंने कि आ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ये एक चीज बोला दूसरा चीज बोला कि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि वन अपॉन किससे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं लिखता हूं ए से यानी कि ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन तो आर मेरा एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर मेरा वन अपॉन ए से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि मैं इन शॉर्ट अगर मैं दोनों को एक साथ लिखू फ्रॉम वन एंड टू यानी कि दोनों को मगर एक साथ लिखू तो मैं क्या लिख सकता हूं आर यहां पे तो कॉमन है तो आर डायरेक्टली लिख सकता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए क्योंकि एल मल्टीप्लाई बाय वन एल ही होगा तो एल अपॉन ए हो जाएगा और ये आपका एक बन गया फॉर्मूला लेकिन ये बना क्या अभी नहीं बना कैसे बनेगा फॉर्मूला जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल डालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको ये आर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे और इक्वल लिखोगे तो जब भी आप इक्वल लिखते हो तो आपको एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अब जो आप कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे उसको बोलते हैं रो ये सिंबल दिख रहा है ये सिंबल इस तरह से बनाते हैं आपको वापस इस तरह से आपको बनाना है सिंबल ठीक है इस तरह से उल्टा शायद नो मराठी में नो लिखते हैं ना वैसे ही है है ना कुछ ये ठीक तो इस तरह से आपको बनाना है ठीक है समझ में आ रहा है तो ये आर इज इक्वल टू इसको बोलते हैं रो बोलते क्या लिखते हैं ऐसा है बनाते इसको ऐसा है और बोलते इसको है रो याद रखना रो बोलते हैं रो ठीक है जैसे ये थीटा होता है ना ये सिंबल को थीटा बोलते हैं ना क्या बोलते हैं थीटा करेक्ट है आपने देखा है ना ये सिंबल मैथ्स में भी आपने देखा तो इसको थीटा बोलते हैं तो वैसे ही इसको रो बोलते हैं याद रखना करेक्ट है समझ में आ रहा है दोस्तों हर एक चीज क्लियर करके दे रहा हूं मैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रपोशनलटा अपॉन ए से तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मुझे इक्वल जब लिखना होता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे इसको हटा के इक्वल लिख दूंगा लेकिन इक्वल के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा कॉन्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं इस बार जो कॉन्स्टेंट ले रहा हूं वो है रो और इसके बाद एल अपॉन ए है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा एल अपॉन ए तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला क्या बन गया मेरा एक ये फॉर्मूला बन गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए और यहां पर वेयर वेयर ये जो रो है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ये चीज याद रखना यानी कि जो हमने पढ़ना था रेजिस्टिविटी वो क्या है एक्चुअल में एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस के साथ लगता है इन ऑर्डर ऑफ द लेंथ इन ऑर्डर ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियर है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं आपको यह चीज समझ में आ गया होगा तो आर इज इक्वल टू रो इन टू अपॉन ए और यही फॉर्मुला के हेल्प से कभी भी अगर एग्जाम में हमें कोई न्यूमेरिकल पूछता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे क्योंकि इसमें जो रो है वो क्या है रेजिस्टिविटी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो तो आपको या तो रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा लेंथ दिया रहेगा एरिया दिया रहेगा और आपको जो ये रो है यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो आपको कैलकुलेट करने पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा ओम्स लॉ का डेफिनेशन पढ़ा ठीक है ना वी इज इक्ल टू आई आर फिर ये पढ़ लिया तो ये सभी चीज के ऊपर नुमेरिकल प्रेजेंट है इस चैप्टर में बहुत ही मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट है नुमेरिकल जो कि पूछता है अक्सर एग्जाम में फिर कम पूछेगा लेकिन नुमेरिकल ज्यादा पूछेगा डेरिवेशन ज्यादा पूछेगा इस चैप्टर में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है तो वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आज नहीं आज के लिए इतना वो सब चीज मैं लेकर आऊंगा आपके लिए अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर थ्री जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें आपको फटाफट से वो चीज़ करवा दूंगा ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर को मैं करता हूं समाप्त बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार लेक्चर था और उम्मीद करता हूं जितने भी चीज़ हमने आज है आपको ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना क्योंकि बहुत कम लोग को पता चलता है कि हम रेगुलर बेसिस पर मेहनत करते हैं ये वीडियोज के लिए इतने मेहनत करते हैं आप लोग के भविष्य के लिए और आप लोग के कंसेप्ट नॉलेज क्लियर करने के लिए तो प्लीज फटाफट से शेयर कर देना चैनल पर न्यू हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेलाइकन को हिट कर देना दोस्तों ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय